सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अफसरान के इंतकाल पर वजीर दिफा का पार्लियामेंट में बयान का हेलीकॉप्टर क्रैश की शुरू हो गई है जांच। राजनाथ सिंह बोले हादसे की जांच के लिए फिजाइया ने कमेटी बनाई, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की सदारत में जांच टीम तश्कील। राजनाथ सिंह ने कहा जसदीप खाकी को आज शाम दिल्ली लाया जाएगा, फिजाइया की तैयारी से दिल्ली लाए जाएंगे जसदीप खाकी। राजनाथ सिंह बोले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने की कोशिश जारी, वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर है वरुण सिंह। हेलीकॉप्टर हादसे पर वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में दी जानकारी का हेलीकॉप्टर ने खोया मवाजना, पार्लियामेंट के हादसे पर जताया अफसोस। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने सीडीएस रावत समेत तानशानी वीर फौजियों को दिया खराज अकीदत, काबिना के दीगर वजरा ने भी गुलाय अकीदत दी। वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंट सेंटर में सीडीएस जनरल रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरे फौजी एजाज से कल दिल्ली में होंगी आखिरी रस्मात। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को खराज अकीदत, मद्रास रेजिमेंट सेंटर में पेश किया गया खराज अकीदत। दिल्ली में होगा सीडीएस विपिन रावत की आखिरी रसूमात, कल सीडीएस और उनके अहलिया मधुलिका को दी जाएगी आखिरी विदाई। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी दीदार होंगे दिल्ली कैंट में, कल जनरल रावत की होंगी आखिरी रसूमात। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे का मिला ब्लैक बॉक्स, हादसे को लेकर हो सकता है बड़ा इंकशाफ, कल क्रैश हुआ था फौज का हेलीकॉप्टर। कुनूर में फिजाइया सरबरा वीआर चौधरी ने किया ग्राउंड जीरो का मुआयना, अफसरान के साथ हादसे पर की बात। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तेज, फॉरेंसिक साइंस की टीम हादसे से जुड़े सबूत जुटाने में। सामने आया हेलीकॉप्टर हादसे की पहले का वीडियो, धुंध में फंस गया था हेलीकॉप्टर, वीडियो में क्रैश की आवाज, मकामी लोगों ने किया रिकॉर्ड। जनरल विपिन रावत की पुश्तैनी गांव में पसरा मातम, जनरल के गांव सेना में गमगीन हुए लोग। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है जनरल विपिन रावत का गांव, पौड़ी जिले के दवारी खाल ब्लॉक में पड़ता है सेना गांव। सीडीएस जनरल रावत के इंतकाल पर पूरा मुल्क गमगीन, अपनी सालगिरह नहीं मनाएंगी सोनिया गांधी। सीडीएस विपिन रावत के इंतकाल से आए में देहरादून में मातम की लहर, आज होने वाले सभी प्रोग्राम मुलतवी। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल चन्नी प्रसाद मोहंती ने किया अपना कतर दौरा, काम सीडीएस विपिन रावत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। हेलीकॉप्टर हादसे में विपिन रावत के अहलिया मधुलिका की भी मौत, भारतीय फिजाइया ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में होंगी सीडीएस विपिन रावत की आखिरी रस्मात, कल सीडीएस उनके अहलिया मधुलिका को दी जाएगी आखिरी विदाई। MI-17V5 से सफर कर रहे थे सीडीएस रावत, फौजी इस्तेमाल के लिहाज से काफी डेवलप्ड माना जाता है यह हेलीकॉप्टर। जनरल विपिन रावत की मौत पर पीएम मोदी ने जताया अफसोस, कहा फौज ने एक बहादुर फौजी को खो दिया, पीएम ने जनरल रावत के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा विपिन रावत सच्चे हुब्बुल वतन थे, उन्होंने हमारी अफवाज के मॉडर्नाइजेशन के लिए तावन किया। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा जनरल रावत ने बहादुरी के साथ मुल्क की खिदमत की, ताकत पर फौज मुल्क के लिए बड़ा नुकसान।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा बिपिन रावत का बेवक्त इंतकाल मुल्क और फौज की कभी पूरी न होने वाली कमी। सीरियस के इंतकाल पर सदर कोविंद ने भी जताया अफसोस। अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा मुल्क ने बहादुर जवान खोया। राहुल गांधी ने जनरल रावत के इंतकाल पर किया ट्वीट, कहा जनरल रावत उनके अहलिया के इंतकाल पर बेहद दुखी। अमेरिकी सफारतखाने ने जारी किया ताजियती पैगाम, कहा अमेरिका के अच्छे दोस्त जनरल रावत दोनों ममालिक के बीच फौजी ताल्लुकात की कड़ी थे, फौज के तय मेरी हमदर्द। सीडीएस बिपिन रावत के इंतकाल पर इसराइल के साबिक पीएम नेतन्याहू ने जताया अफसोस, कहा इसराइल हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, मेरी हमदर्दी मुतासिर कुंबे के साथ। हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का फिलहाल चल रहा इलाज, भारतीय फिजाइया ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिपिन रावत के कुंबे से मिला आर्मी चीफ नरवणे, रावत के घर आला अफसरान ने बिपिन रावत के कुंबों से की मुलाकात। उत्तराखंड में 3 दिन का कौमी शोक, जनरल बिपिन रावत के इंतकाल पर कौमी शोक का ऐलान। सीएम धामी ने सीडीएस बिपिन रावत के इंतकाल पर जताया अफसोस, पौड़ी के सैंड गांव के रहने वाले थे बिपिन रावत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का मुंबई में होने वाला प्रोग्राम रद्द, मुंबई के राजभवन में होने वाला था प्रोग्राम। यूपी के सीएम योगी ने सीडीएस बिपिन रावत को पेश किया खराज अकीदत, ट्वीट कर कहा ताकतवर ऑफिसर के तौर पर रावत हमेशा याद किए जाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत के ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल में पसरा मातम, सुहागपुर की रहने वाली थी जनरल के अहलिया मधुलिका रावत, सीएम शिवराज और भूपेश बघेल ने जताया अफसोस। जनरल बिपिन रावत के इंतकाल पर बांग्लादेश, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई ममालिक ने जताया अफसोस। अमेरिका समेत दुनिया के 20 ममालिक ने जनरल बिपिन रावत के इंतकाल पर शोक जताया, इजराइल एम्बेसी ने ट्विटर हैंडल को बदला, जनरल रावत को पेश किया खराज अकीदत। बिपिन रावत के इंतकाल पर खिलाड़ियों ने भी जताया अफसोस, सचिन तेंदुलकर, कोहली, सायना नेहवाल और साबिक गेंदबाज आर के सिंह ने पेश किया खराज अकीदत। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल से सदमे में बॉलीवुड अनिल कपूर, अजय देवगन, अनुपम खेर ने जताया अफसोस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बीजेपी कारकुनान ने जनरल बिपिन रावत को पेश किया खराज अकीदत, कैंडल जलाकर किया सलाम। चौदह दिसंबर से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का छठा मरहला, जगह जगह आवामी जलसे भी करेगी समाजवादी पार्टी। वाराणसी में किसानों से बात करेंगे पीएम मोदी, 23 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम के लिए 10,000 किसानों को इनवाइट करने की तैयारी। अठारह दिसंबर को यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे पीएम मोदी, 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का रखेंगे संगे बुनियाद। गंगा एक्सप्रेसवे के संगे बुनियाद के बारे में यूपी के सीएम ने दी जानकारी, कहा मेरठ से प्रयागराज तक होगा मुल्क के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की तामीर। यूपी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम योगी ने संभाला जिम्मा, शाहजहांपुर में किया प्रोग्राम की जगह का जायजा। 15 दिसंबर से शुरू होगा यूपी असेंबली का सरमाई इजलास, योगी सरकार ला सकती है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बजट। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने भारत की सबसे ताकतवर खातून फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया की 100 सबसे ताकतवर खातून की फेहरिस्त में मिली जगह। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद शिवसेना एमपी संजय राउत का बयान, यूपी में कांग्रेस और शिवसेना साथ लड़ेंगे इंतखाब।
भारतीय फजाया की ताकत में हुआ इजाफा, सुखोई 30 MK-1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का हुआ कामयाब तजुर्बा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर किया आर्टिकल 370 की वकालत, कहा बहुत तानाशाही और अफसरशाही हो गई है, अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोगों की हुकूमत से लोगों के मसले हल हो सकते हैं। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, का आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से नहीं हुआ एक भी हिंदू का पलायन। 2024 तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण मंसूबा, मरकजी कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला, 2,17,257 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी। केन बेतवा मंसूबे को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 176 किलोमीटर के लिंक कैनाल के जरिए जोड़ी जाएंगी दोनों नदियां। लालू परिवार में आएगी ईसाई दुल्हन, तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में हो सकती है सगाई, परिवार और पार्टी के चुनिंदा लोगों को ही दावतनामा। जम्मू कश्मीर के शोपियन में दहशतगर्दों के साथ हिफाजती दस्तों का एनकाउंटर, अब तक 3 दहशतगर्द हुए ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई समाप्त, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन को भेजा समन, ईडी ने बताया पाकिस्तान के रास्ते पैसों का करता इंतजाम। चीन को लगा एक और झटका, कनाडा ने भी सरमाई ओलंपिक के सिफारती बायकॉट का ऐलान किया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही कर चुके हैं इनकार। नए वेरिएंट पर WHO ने जताई फिक्र, का कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तेजी से फैल रहा वायरस, 57 ममालिक में पहुंचा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र से राहत की खबर, ओमिक्रॉन से मुतासर रियासत के पहले मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मरकजी सरकार का रियासतों को ऑर्डर, ओमिक्रॉन का इलाज स्पेसिफिक कोविड केयर सेंटर में ही हो। कोरोना की तीसरी लहर के खदशे पर अलर्ट, MP सरकार, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने मेडिकल कॉलेज के डीन सुपरिटेंडेंट के साथ की जायजा मीटिंग। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की स्मैक के साथ 3 तस्कर के गिरफ्तार, तलबा तालिबात को बना रहे थे नशे का आदि। सीएम धामी ने की दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन मंसूबे की शुरुआत, कॉन्सोलेशन रकम में 1 रुपए फी लीटर के इजाफे का किया ऐलान, 53,000 लोगों को मिलेगा फायदा। यूपी के नोएडा की एक सोसाइटी में हेपेटाइटिस ए का कहर, 10 दिनों के अंदर 25 से ज्यादा मामला दर्ज, सप्लाई होने वाला पानी पर उठे सवाल। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड जारी, सीएम धामी ने बीजेपी तशहीरी गाड़ी को दिखाई हरी झंडी, सरकार के मंसूबों के बारे में अलग अलग हिस्सों में देंगे जानकारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता ने ईस्टर्न बैरिकेड पर लगाया जाम, गाड़ी की छतों से बाहर निकलकर उड़ाई ट्रैफिक जाब्तों की धज्जियां। लखनऊ के ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की लूट, मुखालफत करने पर मुलाजमी को गोली मारकर बदमाश फरार। यूपी के सहारनपुर में बारातियों में डांस करने को लेकर 2 फरीक में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजीपुर में लोगों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, काफी देर तक खड़ी रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, पुलिस ने मामला पूरा कराया। MP के डिंडौरी में बिजली महकमे की बड़ी लापरवाही, बगैर मीटर और बिजली कनेक्शन के 1 साल से भेजे जा रहे बिल, लालटेन के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर गांव वाले। MP के दुर्ग में निकाय इंतखाब को लेकर बीजेपी ने की जायजा बैठक, दिग्गज लीडरान ने उम्मीदवारों को दिया जीत का मन।
इंदौर के स्वच्छता मॉडल का मुरीद हुआ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर से आया डेलीगेशन ने इंदौर पहुंचकर समझी साफ सफाई का निजाम, गार्बेज मैनेजमेंट को भी समझा। छत्तीसगढ़ में महंगा होगा सिटी बसों का सफर, भूपेश काबीना में सिटी बसों का किराया बढ़ाने की तजवीज को दी मंजूरी। बिहार के मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार ने लिया सिंचाई मंसूबों का जायजा, आवाम से बातचीत के जरिए इलाके की परेशानियों से हुए रूबरू। झारखंड के दुमका को सीएम हेमंत सोरेन ने दी कई सौगात, 1175 करोड़ के तकसीम। झारखंड के धनबाद में हैवी ब्लास्टिंग के बाद बना गोफ, जहरीली गैस के लीकेज से मकामी लोगों में दहशत, अफसरान के देर से पहुंचने में लोगों में गुस्सा। बिहार के पटना में बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज, प्रीपेड मीटर से ज्यादा बिल आने की शिकायत, मुखालफत में महाधरने का इनकार। कांग्रेस लीडर ज्योति खंडेलवाल का सोनिया गांधी को खत, 12 दिसंबर को राजस्थान में होने वाली महंगाई रैली को मुलतवी करने का किया इल्तिजा। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, 11 दिनों से कर रहे थे हड़ताल, सरकार से बातचीत के बाद बनी इत्तेफाक राय। मुंबई में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का इनेकार, करोड़ों के एमओयू और एलओयू साइन, एसीएस तवानाई समेत तमाम अफसरान रहे मौजूद। राजस्थान के जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, जोन 12 में 26 फ्लैट्स को किया सीज, कालवाड़ रोड पर हुई थी गैर कानूनी तामीर। राजस्थान के अजमेर में शादी तकरीब में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बैग ले जाता दिखा एक शख्स। राजस्थान के झालावाड़ में 5 बदमाशों ने एक शख्स पर की फायरिंग, शख्स ने घर में घुसकर बचाई अपनी जान, सीसीटीवी में कैद हुआ वाकया। हरियाणा कांग्रेस ने गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम, एचपीएससी घोटाले के हाईकोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने का मुतालबा, एचपीएससी तहलील करने की भी डिमांड रखी। हरियाणा के रेवाड़ी में हाईवे पर तेज रफ्तार करता है डंपर ने 3 लोगों को मारी टक्कर, तीनों ने मौके पर तोड़ा दम। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से चरमराया निजाम, ओपीडी और इमरजेंसी खदमात हुई ठप, मरीजों को उठानी पड़ रही परेशानी। हरियाणा के पानीपत में सिर्फ 5 दिन चलेंगे कोयले पर मबनी इंडस्ट्रीज, सिंगल शिफ्ट में होगा काम, सरकार ने जारी की हिदायत। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियंस की हड़ताल, परमानेंट करने और सैलरी बढ़ाने का मुतालबा, आंगनबाड़ी मराकज को बंद करके किया मुजाहिरा। हिमाचल के बद्दी में महकमा इनकम टैक्स की टीम ने दवा कंपनियों पर डाली रेड, हिमाचल हरियाणा पंजाब समेत कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। हिमाचल के चंबा में रावी नदी कूड़े के ढेर में हो रही तब्दील, नदी के साहिल पर लगा कूड़े का अंबार। ब्राजील ने बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की एंट्री के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, बगैर वैक्सीनेशन के आने वाले लोगों को 5 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। यूरोप के मुल्क नॉर्वे में कोरोना जवाबी को सख्त, घरों में 10 से ज्यादा मेहमानान को बुलाने पर लगाई पाबंदी, क्रिसमस के दिन जाब्तों में मिलेगी पूरी छूट। अमेरिका के हवाई में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात, सैलाब में फंसे 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू, कई जगह लैंडस्लाइड की इंतबाह भी जारी। लैटिन अमेरिकी मुल्क चिली की पार्लियामेंट के पास हुआ तारीखी बिल, समलैंगिक शादी को मिली कानूनी मंजूरी, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हुआ बिल। स्पेन के ला पाल्मा आतिशफिशा में फिर हुआ धमाका, पहाड़ी से लगातार बह रहा लावा, अब तक 3,000 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा नुकसान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए जापान के अरबपति युसाकू मिजावा, 2009 के बाद पैसे देकर
स्पेस जाने वाले पहले सैयाह बने, रूसी स्पेस शटल से भरी उड़ान। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, टेस्ट सीरीज के लिए 18 खिलाड़ियों का इंतखाब, टीम में रहाणे और पुजारा भी शामिल। T20 के बाद रोहित शर्मा बने वनडे टीम के कप्तान, विराट कोहली को किया रिप्लेस, साउथ अफ्रीकी दौरे पर संभालेंगे जिम्मेदारी। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग की जारी, गेंदबाजी मिजाज पटेल, बल्लेबाजों में मयंक अग्रवाल ने लगाई लंबी छलांग। ऐसी गिदाई में लौटे विराट कोहली, बच्चों की तरह नकली बाइक पर बैठ शेयर की फनी फोटो। भारतीय अंपायर दीपक नायकर ने उल्टे अंदाज में फैलाई सनसनी, अनोखे अंदाज में अंपायरिंग करते हुए नजर आए, इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन भी हुए फायर। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही भारतीय खातून हॉकी टीम की एक रुकन कोरोना पॉजिटिव, जराए के हवाले से खबर, कोरिया के खिलाफ रद्द हुआ मैच। आरबीआई का बड़ा प्लान, जल्द फीचर फोन से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे लोग, फीचर फोन में यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम मुहैया कराने को लेकर चल रहा है काम। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इकोनॉमी में बनी रहेगी रफ्तार, आरबीआई ने मौजूदा माली साल 2021-22 में इक्तिसादी ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अंदेशा जताया। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बुध को फिर दिखी गिरावट, कीमतों में 49,949 रुपए की गिरावट दर्ज। हुंडई भारत में लगाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाइन, 2028 तक लॉन्च करेगी 6 नई गाड़ियां, इंडियन मार्केट के हिसाब से तैयार की जाएंगी गाड़ियां। हरियाणा के गुरुग्राम में खुला फेसबुक का नया हेड ऑफिस, नए दफ्तर में 2.5 लाख क्रिएटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीन में रियल एस्टेट का बुरान बढ़ा एवरग्रांडे के बाद, अब एक और कंपनी कायसा ने किया डिफॉल्ट, कायसा ग्रुप के शेयरों की खरीद पर लगी रोक। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में आज विक्की कौशल और कटरीना की शादी, बुध को कौशल और कटरीना के एक्ट की हुई हल्दी और संगीत सेरेमनी। जरीन खान का नया पंजाबी सॉन्ग छन छन का वीडियो रिलीज के साथ हुआ वायरल, वीडियो में जरीन खान और जॉर्डन संधू के बीच एक लाजवाब लव स्टोरी को दिखाया गया। शादी से पहले विकी कटरीना का रिश्ता विकीपीडिया पर हुआ ऑफिशियल, विकीपीडिया में कटरीना कैफ की प्रोफाइल में अपडेट करते हुए उनके शौहर का नाम भी जोड़ दिया। शर्मिला टैगोर के बर्थडे सेलिब्रेशन से नदारद रहे सैफ अली खान और करीना, सोहा ने तस्वीर की शेयर, तस्वीर में सोहा अपनी बेटी और भतीजे इब्राहिम के साथ आई नजर। करीना कपूर ने अपनी गर्ल गैंग के साथ जमकर की पार्टी, करीना ने इंस्टाग्राम की स्टोरी में पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की।